हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आई एम सुजीत कुमार। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे। हम प्रार्थना के साथ उपस्थित में बूढ़े हों, बच्चे हों, जवान, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, जो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता रहता है, जो स्वर्ग से हमें उत्तर देता रहता है, उस परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियजनों। ठीक है, आँख बंद करेंगे, प्रार्थना को लास्ट तक सुनेंगे। ठीक है मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हो, तकलीफ में, समस्याओं में, गरीबी में, बीमारी में, उदासी में, बेचैनी में हो, डरे हुए, घबराए हुए हो, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आपको किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, उस परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है, जो महान परमेश्वर, जो दयालु परमेश्वर, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभु का प्रभु, जो सेनाओं का यहोवा, जो सृष्टिकर्ता मालिक है मेरे प्रभु, उस परमेश्वर से बताना, जो यीशु मसीह ने, यीशु मेरे प्रभु ने, यीशु मसीह ने सभी से कितना प्रेम किया, उसने सभी से इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सा, दुख सा, दर्द सा मेरे प्रियजनों, उसके हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, 39 कोड़े लगवाए गए, मुंह पर थूका गया, सिरका पिलाया गया, दाढ़ी नोची गई, कांटों का ताज पहनाया गया मेरे प्रियजनों, सिर्फ और सिर्फ हम सभी के खातिर मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सभी मानव जाति को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया मेरे प्रियजनों। जो महान परमेश्वर, जो दयालु परमेश्वर, जो खुद परमेश्वर, जो मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया मेरे प्रभु, 30 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए सिर्फ हम सभी के खातिर। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, परमेश्वर में है मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियजन, अब टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, निराशा में, बेचैनी में, डरे हुए, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना है, आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, उस परमेश्वर से बताना है, जो वास्तव में जिंदा परमेश्वर, जो हमारे कामों को सफल करेगा मेरे प्रभु। यीशु मसीह का वचन कहता है, हर एक मनुष्य को यीशु मसीह के पास आने के खातिर से विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। मेरे प्रभु, विश्वास करना है कि यीशु ही परमेश्वर है, जो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और वो हमारे कामों को सफल करेगा। आपकी दुख, तकलीफ, समस्या, गरीबी, बीमारी, सब कुछ पूरा करेगा, दूर करेगा, और आपको प्रतिफल देगा, फल देगा। मेरे पे अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। आप खोजते हैं परमेश्वर को, ढूंढते रहो, बाइबल में खोजते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर से बोलते रहो, और परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा। मेरे पे जो वो महान परमेश्वर अल्फा ओमेगा है, आदि और अंत है, जिसके कारण से पृथ्वी कांपती है मेरे प्रियजनों, जाति जाति के लोग उसके कुल्हड़ को नहीं सह पाते हैं, सर्वशक्तिमान है मेरे प्रियजनों। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में है, तकलीफ में है, समस्याओं में हो, गरीबी में है, बीमारी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए, घबराए हुए हो, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। असंभव को संभव करता है हमारा परमेश्वर। मेरे प्रियजनों, हमें विश्वास करना है। लोग संदेह कर लेते हैं, बोलते हैं मुझे ये नहीं होगा, मुझे 10 साल से बच्चा नहीं, 30 साल से बच्चा नहीं, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, पथरियाँ, हर प्रकार की बीमारियाँ हैं, नहीं ठीक हो रही, लोग संदेह कर लेते हैं, तुझे जानने लगते हैं। यीशु मसीह का वचन कहता है, संदेह करने वाला मनुष्य निश्चय संदेह ही करता रहता है, वह यही सोचता रहता है कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, संदेह करने वाला व्यक्ति समुद्र के लहर के समान होता है, जितनी तेजी से वह लहर आती है, उतनी तेजी से वह वापस चली भी जाती है। उसी प्रकार से संदेह करने वाला मनुष्य निश्चय संदेह ही करता रहता है, वह यही सोचता रहता है मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें संदेह नहीं करना है। इसको मसीह ने कहा है, जो कुछ मांगो प्रतीति कर लो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें प्रतीति कर लेना है, अमल कर लेना है, रिसीव कर लेना कि हो चुका है, हो जाएगा। यीशु मसीह ने कहा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा, तो तू इस पेड़ से या इस पहाड़ से कह दे, जाओ खड़ जा, उस स्थान पर चले जा, तो वह तेरी बात मान लेगा। यीशु मसीह ने कहा है, राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए, उसे अधिक मूल्य रखना चाहिए। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर को पुकारो। यीशु मसीह हम सभी के मन की बातों को जानते हैं, हमारी इच्छाओं की बातों को जानते हैं, हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या इच्छाएं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, वो परमेश्वर जानता है। जो स्वर्ग में बैठा है, वो हमारा परमेश्वर जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी की क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं, वो परमेश्वर क्यों नहीं देगा। मेरे पूछो, अपने खोजने वालों को हमारा परमेश्वर देगा, प्रतिफल देगा, जो चाहो मांगो हो जाएगा। विश्वास से मांगना है, विश्वास से मांगना है। संदेह नहीं, संदेह करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह वास्तव में जिंदा परमेश्वर है मेरे प्रियजनों।
ठीक है, चलिए हम प्रांतों को स्टार्ट करते हैं। इस प्रांतों को आग बंद करके सुनेंगे, लास्ट में आमीन बोलकर रस्सी करेंगे। चलिए प्रांतों को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, यीशु मसीह, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा, सुरक्षित रखा मेरे पिता, अपने पंखों के आगे छिपा के रखा मेरे परिजनों, एक नया जीवन दिया मेरे पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। मेरे प्रभु ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे मेरे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से बिछड़ गए होंगे मेरे परमेश्वर, वे आपको जानते हैं फिर भी नहीं मानते थे, मर गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे प्रभु, जहाँ की आग नहीं बुझती, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते पिता, जहाँ का धुआं युगान उड़ता रहता है मेरे परमेश्वर, वे वहाँ पे चले गए होंगे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जो आपने हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा पिता, एक नया जीवन दिया, अमर जीवन दिया पिता। आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, तू मेरा ही है पिता। आपने कहा है मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही पुत्र, मेरी ही पुत्री है मेरे पिता। आपने कहा है मेरे पिता, प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, जो मसीह बंद बीमार पड़े हॉस्पिटल में एडमिट है पिता, जो खाट पे पड़े रो रहे बिलख रहे चिल्ला रहे, अपने खाट अपने आंसू से भिगो रहे मेरे परमेश्वर, कैंसर, गिल्टी, आरोसलिया, पथरिया, डेंगू, मलेरिया, सब प्रकार की बीमारियां मेरे पिता, हम चाहते हैं हर प्रकार की बीमारियां उनके शरीर से भाग जाए मेरे परमेश्वर, आजाद हो जाए। You are healed in the name of Jesus. आजादी को रसीब करे अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से आजादी को रसीब करो बोल कर आमीन, आजादी को रसीब करो बोल कर आमीन। आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगा परमेश्वर, जो मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया, कुड़े पाए, जो कुष्ठ दिखा, जो यावा जुलार, जो वास्तव में जिंदा परमेश्वर है, वह हमारे कामों को सफल करेगा, आपकी बीमारियों को जड़ से खत्म करेगा हमारे परमेश्वर। विश्वास करना है मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होता है, फूट पिट, धर्म डाम बदौला पाने मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं लड़ाई झगड़े की गंदी स्प्रिटें इनके घरों से, इनके शरीर से छोड़े भाग जाएं, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम से, हर एक जादूटोना के बंधन जल जाएं, हर एक करधरा के बंधन जल जाएं, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन जल जाएं पिता, उस शांतियां ने पाए मेरे परमेश्वर, आपके लहू का बड़ा बांधते यीशु मसीह के नाम से, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा बदुरी आत्मा इनके घरों से, इनके जीवन से भाग जाएं, छोड़े और निकल जाएं यीशु मसीह के नाम से, और स्वर्गीय सामर्थ्य प्रकट होने पाए, स्वर्गीय सामर्थ्य ट्रांसफर होने पाए यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उन बहनों के लिए जिन बहनों की कोखें बंद पड़ी हैं, इन्हें बच्चा नहीं होता मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं पवित्र आत्मा से, जिस प्रकार से मेरे परमेश्वर आपने सारा को बच्चे दिए थे 90 वर्ष की आयु में मेरे परमेश्वर, हम चाहते हैं उन बहनों को भी बच्चे दीजिए, संतान दीजिए, बच्चे की आशीष आने पाए, बच्चे की आशीष स्वर्ग से ट्रांसफर हो जाए, बच्चे की आशीष रिलीज हो जाए स्वर्ग से मेरे परमेश्वर, अपना स्वर्ग के हाथ बढ़ा मेरे परमेश्वर, टच करें पवित्र आत्मा जी मेरे पिता, गवाहियां बनने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, उन भाई बहनों के लिए मेरे पिता, जो मसीह में रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझको सुख की नींद आएगी मेरे पिता। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है मेरे परमेश्वर अपने प्रार्थना को सुना है पिता, ये छोटी सी भी उद्धार करता, यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।